इस जंगल में आए सभी इंसानों और इन जानवरों को रिंग मास्टर शरद का सलाम, तालियां। मैंने अपने इस हंटर से बड़े बड़े खूंखार जानवरों को ट्रेन किया है, जैसे अर्चना जी चूहे को ट्रेन किया है, बिल्ली को ट्रेन किया है, तोते को ट्रेन किया है, ट्रेन किया। क्या हुआ? देखी मेरी ट्रेनिंग? मैंने आ किया और शेर आ गया। शेरा अर्चना को सलाम करो। शेरा कृष्णा को नमस्ते बोलो। कौन कृष्णा? कृष्णा को नहीं जानते? सुदेश का असिस्टेंट। ताकी ओ ताकी ओ ताकी ताकी रे ताकी ओ ताकी ओ ताकी ताकी ताकी। शेरा हाँ, वीआईपी के पास जाओ और नमस्ते बोल के आओ। अबे साले शेर हूं तो किधर भी भेज देगा क्या? साला कितना अंधेरा है उधर। शेरा कोई बात नहीं बेटा, ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। अब शेरा कर्तव्य दिखाएगा। मेरे पास ये रिंग है। शेरा अपनी आंखें बंद करेगा और इस रिंग में से कूदेगा। शेरा कूद। अबे मैंने तुझे इस रिंग में से कूदने के लिए कहा था, तू मेरे अंदर घुस गया। चलो रिंग पकड़, बाजू में जा और प्रैक्टिस कर। अब मैं आपके सामने बुला रहा हूं एक बहुत ही भीमकाय, विशालकाय डायनासोर को। कौन हो तुम और किस जंगल से आई हो? मैं मेनका। इस सर्कस का मालिक कौन है? इस सर्कस के मालिक तो वहां बैठे हैं, लेकिन इस सर्कस का मालिक यही है, रिंग मास्टर और जोकर भी यही है। तुम जोकर हो? चलो फिर ऑडियंस को हंसा के बताओ। ए और कॉमेडी। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी कॉमेडी सिर्फ इसको समझ में आती है। मैंने सुना है कि तुम्हारे इस सर्कस पे जानवरों पे जुल्म होता है। अरे मैं कैसे जुल्म करूंगा, ये तो मेरे अपने बच्चे हैं। तुम चाहो तो मेरे किसी भी जानवर से पूछ लो। शांति। शांति हमेशा के लिए शांत हो गई। शांति इसकी गर्लफ्रेंड थी। आज इसका हैप्पी बर्थडे टू यू था। मैंने इसे किसी की और बहुत जोर से अपनी बाहों में झगड़ा। सो सैड। दब के मर गई। बहुत दुख हुआ। काश शेरा अपनी फीलिंग मार लेता तो शांति ना मरती। ओहो शेरा, चेयर अप, तुम तो अपने शेर आर्टिस्ट हो। और बुरा वक्त और बुरा एक्ट किसी पर भी आ सकता है। क्यों शेखर जी, हिम्मत से काम लो। नहीं, क्या हुआ? अरे हिम्मत हमारे हाथी का नाम है। ओह गॉड। देखो शेरा, देखो सिर्फ चिपको नहीं। जिंदगी से ऐसे मायूस नहीं होते। अरे एक गर्लफ्रेंड गई तो दूसरी आ जाएगी। ये दूसरी थी। ओह गॉड। कोई बात नहीं शेरा, तीसरी आ जाएगी। अच्छा, तुम कब तक हो यहाँ? मैं तो यहीं पर हूँ, लेकिन तुम लोग का पता नहीं कब तक हो। 1411 बचे हो। अरे तुम इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं हो? अरे किया था ना, सरकार के पास गई थी। हाँ। मैंने कहा ये शेर बेचारे अल्पसंख्यक रह गए हैं, प्लीज इनकी मदद कीजिए। लेकिन सरकार बोली इन्हें संरक्षण नहीं आरक्षण मिल सकता है। अरे आरक्षण से याद आया, हमें मायावती के पास जाना चाहिए। अरे रहने दो, वो सिर्फ हाथी की सुनती है। फिर तो इसकी सुननी चाहिए थी। जैसा लगता है कि हमें प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि देखो हम सिर्फ नाम के सिंह रह गए हैं। अरे वो भी तो सिर्फ नाम के ही सिंह है। इसका मतलब कि हमें कहीं से भी मदद नहीं मिलनी? एक सिंह हमें बचा सकता है। कौन? सिंहों की सिंह अर्चना पूरन सिंह। हाँ। एक था जंगल एक था राजा, जिसको सब कहते थे सिंह। जिसके घर से रो जाती थी इंसानों की भी थिंकिंग। हाँ, अब अगर हो गई कम गिनती, इसलिए तुमसे है बिनती, अब हमें मारे ना ऐसी कर दो सेटिंग। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। आइए
जानते हैं पुरन और सुमन से कि शेटीज का ये सर्कस उन्हें कैसा लगा? बहुत अलग मिजाज का और अलग तड़के के साथ ये था, वेरी डिलाइटफुल एक्ट, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। पंचेस भी अच्छे थे, ह्यूमर भी अच्छा था, आप लोगों का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा था, और कुल मिला के इट वॉज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एक्ट। थैंक यू वेरी 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 मच। अर्चना, आई थिंक परफॉर्मेंसेज वाइज नो कम्प्लेन, बिकॉज जो स्क्रिप्ट आपको मिली उसको आपने बखूबी निभाया। आई थिंक देर वॉज लॉट ऑफ वराइटी इन द एक्ट, एंड दैट सिंग इज किंग सॉन्ग जो आपने इसमें इनकॉर्पोरेट किया, अच्छा है। इट वॉज अ वेरी डिलाइटफुल एक्ट। रोहित, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत मेहनत की तीनों ने, वो दिखाई दे रहा था, और थोड़ा सा स्लैपस्टिक भी था बीच में व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ। इट वाज अ गुड एक्ट, इट वाज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट इट वाज नॉट बैड आल्सो। अब बारी है स्कोर्स की। अर्चना, जस्ट एन 8 पॉइंट्स। शेखर, आपके स्कोर 9 पॉइंट्स।